एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मेहरा। आइए एक और न्यूज़ को पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओवर 200 बिल्डिंग्स, ओवर मीन्स होता है मोर देन, ठीक है, 200 से ज़्यादा बिल्डिंग है, ठीक, इंक्लूडिंग किसको शामिल करके, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल इन यूपी, ठीक है, लगभग 200 से ज़्यादा बिल्डिंग है जिसमें हॉस्पिटल भी शामिल है इन यूपी, यूपी में, विद लैक्स फायर सेफ्टी, लैक्स मीन्स होता ढील, फायर सेफ्टी की बहुत ढील है इन बिल्डिंगों के अंदर, मतलब जो फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, उनको कंप्लाई नहीं किया जा रहा है। आइए पढ़ते हैं। सजेस्ट डाटा, डाटा ऐसा बता रहा है, द कंडीशन ऑफ मोर देन 200 बिल्डिंग्स इन उत्तर प्रदेश। तो जो कंडीशन है, जो स्थिति है, कंडीशन मतलब होता है कि वी कैन से स्थिति एक तरीके की, ठीक है, द कंडीशन ऑफ मोर देन 200 बिल्डिंग्स इन उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, ठीक है, 200 से ज़्यादा बिल्डिंगों की जो कंडीशन है उत्तर प्रदेश में, इसमें हॉस्पिटल भी शामिल है, हॉस्पिटल्स, होटल्स एंड अदर कॉमर्शियल साइट्स, कॉमर्शियल मीन्स होता है व्यावसायिक बिल्डिंगें जो होती है जहाँ पे काम किए जाते हैं, साइट्स मीन्स होता है जगह, ठीक है, इज डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल मीन्स होता है वेरी बैड, जो कंडीशन है 200 से ज़्यादा बिल्डिंगों की जिसमें हॉस्पिटल भी हैं, होटल्स भी हैं, होटल्स भी हैं और कॉमर्शियल साइट्स भी हैं, उनकी कंडीशन क्या है, डेप्लोरेबल है, डेप्लोरेबल मीन्स होता है वेरी बैड। व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्शन, जब प्रोटेक्शन की बात आती है अगेंस्ट फायर, फायर के खिलाफ प्रोटेक्शन की बात आती है, तो इन बिल्डिंगों की कंडीशन बहुत ही दयनीय है, बेकार है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ऑफ फायर डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट के, ठीक है, द डाटा सजेस्ट, डाटा बताता है डेट द दिस बिल्डिंग डोंट हैव द मैंडेटरी, इन बिल्डिंगों के पास नहीं है, मैंडेटरी मीन्स होता अनिवार्य, कानून द्वारा कोई चीज़ कंपल्सरी होना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सो दिस बिल्डिंग दे डोंट हैव अ नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, जैसे NOC बोलते हैं, फ्रॉम द फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से इनके पास कोई भी NOC नहीं है, अगर जब से प्रोटेक्शन की बात आती है फायर से। नोटेबली, नोटेबली मीन्स होता गौरतलब है कि अ डे आफ्टर अ मैसिव फायर ब्रोक आउट, एक दिन बाद, जब मैसिव मीन्स होता भीषण, बहुत ज़्यादा, वेरी लार्ज फायर ब्रोक आउट, आग लग गई, ठीक है, ब्रेकआउट मीन्स होता है जैसे कि आग लग जाना, युद्ध लग जाना, या ठीक दंगे भड़क जाना, तो स्टार्ट समथिंग सडनली, कोई चीज़ तुरंत चालू हो जाना, उसे ब्रेकआउट वहाँ पे यूज़ करते हैं। एट अ होटल इन वृंदावन, एक दिन पहले जब एक भीषण आग लगी थी वृंदावन में, होटल में, विच क्लेम्ड लाइव्स ऑफ टू पीपल, जिसने दो लोगों की जान ले ली, क्लेम्स लाइव्स मीन्स होता है जान ले लेना, ठीक है, ऑफ टू पीपल, अ टीम ऑफ मथुरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एक टीम मथुरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस एंड फायर डिपार्टमेंट, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने सील द होटल, होटल को क्या कर दिया, सील कर दिया, सील द होटल वृंदावन गार्डन, जो वृंदावन गार्डन था उसे सील कर दिया। द होटल वॉज फाउंड, होटल पाया गया ऑपरेटिंग, चलता हुआ, ठीक है, इन द वायलेशन ऑफ फायर सेफ्टी नॉर्म्स, जो किसका उल्लंघन कर रहा था, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का, नॉर्म्स मीन्स होता है मानदंड, ठीक है, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, जिसके अकॉर्डिंग कोई चीज़ होनी चाहिए, तो उनका उल्लंघन करता हुआ पाया गया। चीफ फायर ऑफिसर ऑफ मथुरा डिस्ट्रिक्ट प्रमोद शर्मा, जो चीफ फायर ऑफिसर हैं मथुरा के, प्रमोद शर्मा सैड, उन्होंने कहा, वी हैड इशू अ नोटिस, हमने इशू नोटिस भेजा था, इशू करना किसी चीज़ को भेजना, ठीक है, नोटिसेस टू द होटल वृंदावन गार्डन, जो होटल वृंदावन गार्डन है उनको नोटिस भेजे थे हमने, विच वॉज ऑपरेटिंग, जो चल रहा था, ऑपरेट मीन्स होता है डूइंग बिजनेस, ठीक है, कोई काम चलना, कोई, हाँ, डू बिजनेस मतलब होता है ऑपरेट बिजनेस या डू बिजनेस या मैनेज बिजनेस, जो चल रहा था इन 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 वायलेशन ऑफ फायर सेफ्टी नॉर्म्स, जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स को उल्लंघन कर रहा था, ठीक है, जो उसके स्टैंडर्ड होते हैं फायर सेफ्टी के, वो सारे को उनका उल्लंघन कर रहा था। द होटल हैज़ बीन सील्ड, होटल को सील कर दिया गया है, एंड FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड, FIR रजिस्टर कर ली गई है अगेंस्ट द होटल ओनर, होटल ओनर के मालिक, जो होटल ओनर है, मालिक मतलब होटल का, उनके खिलाफ। देर आर 88 अदर सच होटल्स, ऐसे होटल्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर बिजनेस सेंटर्स इन द मथुरा डिस्ट्रिक्ट, तो ऐसे लगभग 88 और भी हॉस्पिटल, होटल्स और कुछ बिजनेस सेंटर हैं
जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, विच डोंट हैव अ मैंडेटरी एनओसी, जिनके पास अनिवार्य एनओसी नहीं है फॉर द फायर सेफ्टी, फायर सेफ्टी के लिए. टाइम बाउंड एक्शन विल बी इंश्योर्ड अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी. टाइम बाउंड मिस होता है समय से पहले, उचित समय पर जो होना ही हो, टाइम बाउंड. ठीक है. एक्सप्लेनिंग द फायर डिपार्टमेंट डजंट हैव द अथॉरिटी टू सील एनी सेंटर, और एक्सप्लेन करते हुए फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने, फायर डिपार्टमेंट डजंट हैव द अथॉरिटी, उनके पास अधिकार नहीं है टू सील एनी सेंटर, किसी सेंटर को बंद करने के. शर्मा सेठ, जय शर्मा ने कहा. ठीक है. ऑन फाइंडिंग वायलेशन ऑफ फायर सेफ्टी नॉर्म्स, अगर हमें पता लगता है कि कोई फायर सेफ्टी नॉर्म्स को, ठीक है, एट एनी प्लेस, अगर हमें पता लगता है कोई वायलेशन कर रहा है फायर सेफ्टी नॉर्म्स के, ठीक है, एट एनी प्लेस, किसी जगह पे, वी फर्स्ट इशू अ 1 month नोटिस, सबसे पहले हम एक महीने का नोटिस इशू करते हैं फॉर द एडियरेंस टू द सेट नॉर्म्स, जो तय मानक होते हैं उनको अनुपालन करने का. एडियरेंस मीन्स होता है किसी चीज़ से चिपके रहना, मतलब कि उसको फॉलो करना, अनुपालन करना किसी का. इन केस ऑफ नॉन कम्प्लायंस, अगर उस केस में, अगर नॉन कम्प्लायंस मीन्स होता है अगर अनुपालन नहीं किया जाता है, द अनदर नोटिस ऑफ 15 days टाइम पीरियड इज इशूड, तो 15 दिन का दूसरा नोटिस इशू किया जाता है. आफ्टर डैट, उसके बाद अ लेटर इज सेंड टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेट, तो उसके बाद क्या होता है, एक लेटर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेट को भेज दिया जाता है विद द रिकमेंडेशन, इस सिफारिश के साथ, टू सील द सेंटर, सेंटर को सील करने के लिए. वी कान डायरेक्टली सील एनी होटल, हम डायरेक्टली किसी होटल को सील नहीं कर सकते. इट मीन्स द फायर सेफ्टी, जो फायर सेफ्टी वाले ये बोल रहे हैं कि वी डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू क्लोज एनी इंस्टीट्यूशंस या एनी बिल्डिंग. ठीक है, उनके पास कोई अधिकार नहीं है उनको बंद करने का. होटल और अदर बिल्डिंग्स ऑपरेटिंग इन अ वायलेशन ऑफ द फायर सेफ्टी नॉर्म्स, तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि अगर कोई उल्लंघन कर रहा है फायर सेफ्टी नॉर्म्स के, तो हम उसे बंद नहीं कर सकते. हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उन्हें नोटिस भेजना होता है एक महीने का, फिर 15 दिन का, आफ्टर दैट वी सेंड अ नोटिस टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. नोटेबली, गौरतलब है कि द लास्ट मंथ, पिछले महीने, 3 people हैड डाइड, 3 लोग मर गए थे इन फायर एक्सीडेंट, आग की घटना में, इंसिडेंट में से होता घटना, एट अ हॉस्पिटल इन आगरा, आगरा के जो हॉस्पिटल था उसमें. आई थिंक ये न्यूज़ मैंने कवर की है, ठीक है, इसे पढ़ाया है मैंने. द ऑफिशियल डाटा ऑफ द फायर डिपार्टमेंट, जो ऑफिशियल डाटा है फायर डिपार्टमेंट का, सजेस्ट करता है द आगरा डिस्ट्रिक्ट अलोन, सिर्फ आगरा डिस्ट्रिक्ट में ही 142 buildings इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स एंड रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आर ऑपरेटिंग इन वायलेशन ऑफ द फायर सेफ्टी नॉर्म्स. तो खाली हमारे आगरा डिस्ट्रिक्ट में ही लगभग 142 बिल्डिंग ऐसी हैं जो ये फायर सेफ्टी जो नॉर्म्स हैं उनका वायलेशन कर रही हैं, जिसमें कौन कौन सी है, होटल हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंटल अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ये वायलेशन कर रही हैं. ऑन अक्टूबर 5 अक्टूबर को 3 people वर किल्ड इन आगरा, ऑन अक्टूबर 5 3 people वर किल्ड इन आगरा, आगरा में 3 लोग मारे गए. वैन ऑफ फायर ब्रोक आउट, जब आग लगी एट अ 2-story building, 2-story building पे, डैट हैड अ प्राइवेट हॉस्पिटल, जिस पर प्राइवेट हॉस्पिटल था, ऑन इट्स ग्राउंड फ्लोर, उसके ग्राउंड फ्लोर पे द इंसिडेंट अकर्ड, ये इंसिडेंट हुआ, घटना घटी इन शाहगंज एरिया ऑफ द सिटी, सिटी के शहर के शाहगंज एरिया में ये घटना घटी थी. ऑन द टॉप फ्लोर, सबसे ऊपर वाले माले पे, वॉज द हाउस ऑफ द बिल्डिंग ओनर, जो बिल्डिंग ओनर का जो घर था, ठीक, इट डिडंट हैव एनओसी, इनके पास एनओसी नहीं थी, इशूड बाय द फायर डिपार्टमेंट, जो फायर डिपार्टमेंट द्वारा इशू की जाती है, दी जाती है. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, चर्चित गौर सेठ, ये जो कोई होंगे, ठीक है, इन्होंने कहा है चर्चित, रिसेंटली वी हैव कंडक्टेड अ मीटिंग विद द ओनर्स ऑफ द हॉस्पिटल्स, होटल्स एंड अदर बिजनेस सेंटर्स. तो अभी रिसेंटली हमने मीटिंग की है, कंडक्टेड अ मीटिंग में जो होता है मीटिंग करना, किनके साथ में, मालिकों के साथ में, हॉस्पिटल के, होटल्स के और दूसरे बिजनेस सेंटर्स के. दे हैव बीन अप्राइज्ड ऑफ द मैंडेटरी फायर सेफ्टी, अप्राइज मीन्स होता है इन्फॉर्म करना, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है जो अनिवार्य फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं, मानदंड हैं, उनको बता दिया गया है. एंड हैव बीन प्रोवाइडेड, उनको प्रोवाइड कर दिया गया 1 month
टाइम पीरियड, और उनको एक महीने का टाइम दे दिया गया टू कम्प्लाई। कम्प्लाई मीन्स होता है किसी रूल्स और रेगुलेशन को मानना। उनको एक महीने का टाइम मिल दे दिया गया कि इस रूल्स को फॉलो करने के लिए, टू कम्प्लाई विद द सेट नॉर्म्स, जो तय मानक हैं, मानदंड हैं, उनको उनके साथ में उनको फॉलो करने के लिए। एनी बिल्डिंग इन्वॉल्व इन अ कॉमर्शियल और हेल्थ केयर सर्विस विल नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट विदाउट अ फायर डिपार्टमेंट NOC। तो कोई भी जैसे कि कॉमर्शियल बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग जो इन्वॉल्व है कॉमर्शियल में या हेल्थ केयर सर्विस जहाँ पे मिल रही हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, उन्हें परमिशन नहीं दी जाएगी चलने की विदाउट फायर डिपार्टमेंट, बिना फायर डिपार्टमेंट की जो NOC होती है उसके बगैर ये इंस्टीट्यूशंस नहीं चलेंगे। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।